अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। और नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था डिनर के लिए। यहाँ पे मैं बना लिया रायता, ठीक है, सिंपल सा रायता बनाया है। और चावल जो है वो अभी यहाँ पे मैंने रख लिए हैं दम पे, और इसे भी इंशाल्लाह होने वाले हैं ऑलमोस्ट, वापस रख लेते हैं। और फरोशा का जो है मैंने साबूदाना खीर जो है वो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। और अच्छा जी, अभी जो है ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का फ्रॉक बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ वो शेयर करूँ। तो आप लोग जाइए और वो जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आप लोग इन्जॉय कीजिए। अच्छा जी, कपड़ा मैंने वाइट कलर का निकाला, ठीक है, सिंपल कॉटन का लॉन का कपड़ा था, साथ में ये लेस मैंने निकाली, लेकिन फिर मैंने सोचा इसका चमक जो है वो उसको मुँह पे और हर जगह पे चिपक जाना है, तो सिंपल सी लेस जो है वो मैंने डोरी वाली यहाँ पे ढूंढ के निकाली। कलरफुल भी थी और अच्छी भी लगनी थी क्योंकि कपड़ा जो है वो ऑफ वाइट था। तो काम यहाँ पर जारी और सारी है, शॉपर शूपर बिखरे पड़े हैं, तो उसको माफ़ कीजिएगा। अच्छा, मैं ड्रेस जो है ना एक मिनट आपको दिखा दूँ, इस तरह का कुछ ड्रेस मैं बना रही हूँ। ऊपर पंखा चल रहा है, उसके शोर की आवाज़ को माफ़ कीजिएगा। इस तरह का कुछ ड्रेस मैं बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, ये भी मैंने ही स्टिच किया है। तो इसके लिए मैंने कपड़े जो है ना इस तरह से कट किए हैं, और नीचे ये सॉफ्ट सी लेस है कॉटन की वो लगाई है, साथ में ये जो है ना ये सिल्क की लेस है, ये इसके ऊपर अभी लगाऊंगी। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से टर्न होता है, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, बैक साइड हमारी हो गई है रेडी, और ये रिबन जो है वो मैंने लगा ली है कितनी सफाई से। ये देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरह से ऊपर से फोल्ड किया, चौकोर कपड़ा लंबाई में काटा है दो, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, फिर ऊपर से इस तरह से फोल्ड किया है, बीच में सिलाई लगाई है, यहाँ पे इसमें रबर आपने डालना है, ठीक है। और फिर जब ये रबर डलेगा ऊपर चेस्ट के हिसाब से रबर डलेगा इसमें, एंड दैट्स इट। फिर उसकी जो है ना स्लीव्स अटैच करूँगी, और नीचे से कुछ ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर बाकी मैं क्या कार्रवाई करूँगी वो आप लोग के साथ कंटिन्यू मैं जो है ना इस ब्लॉग में डालती जा रही हूँ। गर्मी बहुत है तो पीछे फ़ैन की आवाज़ बार बार मैं कह रही हूँ, सॉरी। अच्छा, बैक साइड के जो है ना मैंने वो डन कर ली, और फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगाई और साथ में ऊपर ये डोरी लगा ली है, ठीक है। फ्रंट को चेंज किया, नीचे से सेम है, ठीक है, जिस तरह से बैक साइड बनाई ऊपर से कुछ इस तरह से लॉन के कपड़े के ऊपर साइड डिज़ाइन ली। अब मैं सोच रही थी कि भाई इसके साथ क्या लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैंने ये पैच निकाला है, लेकिन मुझे जो है ना इसका थोड़ा कलर जो है ना वो अजीब सा लग रहा था कि भाई ऊपर जो है वो रंग बिरंगी डोरी लगाई है, साथ में ये पिंक लगाऊंगी तो किस तरह अजीब सा लगेगा, और डिज़ाइन के साथ ये उठ भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये जो है ना हम इस इरादे को तर्क करते हैं, और मेरे पास जो है ना रखी हुई थी इस डोरी के साथ मैचिंग इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली थ्रेड, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ कर लूं। और उसके अलावा मेरे पास ये सीक्वेंस भी काफ़ी सारे, आपको मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूं कि मैं इस तरह की चीज़ें काफ़ी रखती हूं, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का काफ़ी जो है ना शौक़ भी है, और चीज़ें मुख्तलिफ करने का भी शौक़ है। तो ये मैंने निकाली है, अब मैं क्या करूँगी इनको जो है ना डिज़ाइन कैसे करना है, अब आप गौर से देखिए। पूरा फ्रंट है, उसके ऊपर मैंने ग्लू के साथ इस तरह से ये जो सीक्वेंस है वो लगा लिए हैं, ठीक है। अब मैं इन्हीं के अंदर जो है ना एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्टार्स टाइप फ्लावर्स बना लिए। ये पूरा फ्रंट जो है ना आपने अपने हिसाब से बेबी के हिसाब से रखना है, वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ऊपर लेस लगी है, साथ में डोरी है बिल्कुल, और ये जो है ना थ्रेड इसके साथ बिल्कुल मैच हो रही है। अब जो है ना फाइनली मैं क्या करने लगी हूँ, इसके अंदर मैं डालूँगी रबर, ठीक है, रबर डलेगी फ्रंट पे और बैक पे दोनों साइड्स पे इस तरह से, और साइड्स से होंगी ये स्टिच। अब जो है ना ये देखिए कुछ इस तरह से आपका स्कर्ट जिस तरह होता है ना उसके हिसाब से आपका ये आ गया, और कितना प्यारा लगे ये देखिए। अब मैं डिज़ाइन कर रही थी स्लीव्स, मैंने दो तरह के स्लीव्स बनाए, एक इस तरह का, ठीक है, फ्रिल वाले स्लीव्स, और एक जो है ना फ्रिल वाले स्लीव्स जो है ना एक ड्रेस के ऊपर इस तरह से लगा लिए, वो कुछ इस तरह दो कमीज़ें मैंने बनाई, ठीक है, एक इस तरह का डिज़ाइन, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब मैं दूसरा जो है ना दूसरा मैंने सेम वही जो ग्रीन ड्रेस के स्लीव्स लगे हुए थे ना मैंने सेम वही चीज़ लगाई है, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्रीटी लग रही थी। एक मैंने किसी को गिफ्ट करना था, ठीक है, उनके लिए बनाया, और एक जो है मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, ठीक है, लेकिन लगता बहुत बहुत प्यारा है, ठीक है। ये वाला जो है ये मैंने गिव अवे कर लिया अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए, ठीक है, और
यहाँ पे डिज़ाइन ये देखें, हर तरह का डिज़ाइन जो है ना ये सिंपल सा लगता है, आप बना सकते हैं ख़ुद। मैंने अपनी बेटी का थोड़ा सा चेंज बनाया उसके सेम वही जिस तरह से मैं स्लीव्स लगाती हूँ, बाकी हर एक चीज़ सेम है ठीक है। सिर्फ स्लीव्स यहाँ पे मैंने वो सेम फ्रिल वाली जो थी वो उनके लिए कर ली, और ये वाली जो है ना रबर वाली ये मैंने अपनी बेटी के लिए बना ली, साथ में उसी डोरी के साथ मैंने बोज बना के तो नीचे जो है ना वो लगा लिए, टसल लगा लिए सेम कपड़े के, और ऊपर से मैंने एक एक पर लगा लिया। यकीन माने मैंने अपनी बेटी को पहनाए और इतना उसको कोई सूट कर रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, और इतना प्यारा डिज़ाइन जो है ना आप इतना इजी जो है ना वो खुद घर में बना सकते हैं। तो बस वीडियो जो है वो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आज का चुटकू सा व्लॉग भी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार शो करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।